नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल AB ट्रैवलर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद यानी डोम, जो कि पुणे जिले में लोनी काळभोर गांव में स्थित है। यह एक अद्भुत संरचना है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसका निर्माण महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT द्वारा किया गया था। गुंबद का मुख्य उद्देश्य अंतरधार्मिक शांति को बढ़ावा देना है। इस गुंबद को वर्ल्ड पीस डोम के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिस्टेंस पुणे स्वारगेट से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको 100 रुपीज एंट्री फी देनी पड़ेगी। इस गुंबद का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और 2018 में पूरा हुआ। गुंबद एक अद्भुत संरचना है जो पुणे के पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण बन गया है और हर साल हजारों लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। गुंबद में भारतीय महाकाव्य महाभारत के 5 पांडवों की मूर्तियां भी है। पांडवों को हिंदू धर्म में नायकों के रूप में माना जाता है और वे अखंडता, साहस और भाईचारे के प्रतीक है। यहाँ पवित्र भगवद गीता ज्ञान भवन विश्व शांति गुंबद के अंदर एक संग्रहालय है जो भगवद गीता के बारे में है। संग्रहालय में भगवद गीता के बारे में जानकारी, तस्वीरें और वीडियो है। संग्रहालय में भगवद गीता के विभिन्न अनुवाद भी है। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ है जो महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। भगवद गीता में जीवन के अर्थ, धर्म, मोक्ष और अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। पवित्र भगवद गीता ज्ञान भवन एक महत्वपूर्ण स्थान है जो भगवद गीता के बारे में जानने के लिए एकदम सही है। संग्रहालय सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के लिए खुला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस स्थान का मुख्य आकर्षण वर्ल्ड पीस डोम यानी गुंबद। गुंबद के चारों साइड में ऐसी 4 मीनारें बनी हुई है। इसका मतलब ये 4 वेदों के प्रतीक है। इस सबसे बड़े गुंबद में टोटल 108 खंभे हैं, जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 40 फीट है। गुंबद का क्षेत्रफल 62,500 वर्ग फुट है। गुंबद में 54 से अधिक संतों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की जीवन आकार प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाएं विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों से है। इस गुंबद की ऊंचाई 263 फीट है, जो भारत में इसे सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा गुंबद बनाता है। इस गुंबद का व्यास 160 यानी 160 मीटर का है। इस गुंबद का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और 2018 में पूरा हुआ। इसे महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT द्वारा बनवाया गया है। विश्व शांति गुंबद में एक पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय में विभिन्न धर्म और संस्कृतियों से संबंधित किताबें, पत्रिकाएं और अन्य प्रकाशन भी है। पुस्तकालय में एक रिसर्च सेंशन भी है जहां लोग विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तकालय में, इस लाइब्रेरी में धर्म, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, कला, साहित्य और बहुत कुछ श्रेणियों की किताबें हैं। यहाँ एक मेडिटेशन हॉल भी है जहाँ आप संत ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिमा यानी स्टैचू देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पुणे में हैं तो विश्व शांति गुंबद और इसके लाइब्रेरी का दौरा अवश्य करें। यह एक अद्भुत संरचना है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए।